की वीडियो में मैंने केक रेसिपी शेयर किया है जिसको मैंने बहुत ही एक इनोवेटिव वे में प्रेजेंट किया है। ये केक देखने में जितना सुंदर है उतना ही टेस्टी एंड डिलीशियस है। इसको एक बार आप जरूर ट्राई करिए। एंड वीडियो के एंड में मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए तो उसको देखना ना भूलिए। हाय गाइस, मैं हूं तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति टेस्टी स्वीजन केक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट एंड प्रेस दैट रेड बेल आइकन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये डिलीशियस केक बनाने के लिए वो है, मैदा है 1 1/4 कप, जिसमें से मैंने 1 टेबलस्पून मैदा निकाल दिया है। मतलब टोटल आप 1 1/4 कप मैदा लोगे और उसमें से 1 टेबलस्पून आप निकाल दोगे। देन बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून, सॉल्ट है 1/4 टीस्पून, ये आमंड मिल है ये है आपका 1 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप नहीं यूज़ करोगे तब भी चलेगा। मिल्क पाउडर है 1/4 कप, ये आपको लेना ही है। ये है मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स। वेट इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है आइसिंग शुगर है ये 3/4 कप, ये आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हो, आधा कप भी आप ले सकते हो, आपको कितना स्वीटनेस चाहिए। मुझे 3/4 कप ठीक लगता है, बट अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप पाउडर शुगर ले सकते हो, उसमें बट थोड़ा सा टेक्सचर में फ़र्क आएगा क्योंकि आइसिंग शुगर और पाउडर शुगर दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो पाउडर शुगर आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेश ऑरेंज जूस है 1/4 कप, दूध मैंने लिया है 1/4 कप टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी, इससे ज़्यादा या कम लग सकता है। ऑयल है 1/4 कप एंड ऑरेंज जेस्ट है 1 टीस्पून। सो ये सब इंग्रेडिएंट्स लेके अभी हम लोग बनाएंगे हमारा केक। जैसे मैं हमेशा करती हूँ, मैं पहले अपना वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रख लेती हूँ, देन अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सिप करती हूँ। तो यहाँ पे वेट इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारा चीज़ नहीं है। पहले क्या करेंगे, ऑरेंज जूस है उसको लेंगे और उसमें जो हमारा आइसिंग शुगर है उसको मिक्स करके रखेंगे। इससे क्या होगा, आइसिंग शुगर में कभी कभी लम्स होते हैं तो ऑरेंज जूस के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, या तो फिर आप आइसिंग शुगर अगर ले रहे हो तो उसको सीप करके लो, बट मुझे इसमें वो सीप करने का कुछ ज़रूरत नहीं लगता है क्योंकि आप मिक्स करके रख लोगे तो वो अपने आप बहुत अच्छे से वो मिक्स हो जाता है। तो ऑरेंज जूस एंड आइसिंग शुगर को मिक्स करके थोड़ा टाइम छोड़ देंगे तो आइसिंग शुगर अपने आप जो भी अगर लम्स होगा डिजॉल्व हो जाएगा। तब तक हम अपना ड्राई इंग्रेडिएंट सीप कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैदा, मिल्क पाउडर, आमंड मिल्क, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, इन सबको सीप कर लेंगे। ये स्पॉन्ज की रेसिपी बहुत इजी है, बट आपको जो मेजरमेंट मैंने दिया है उतना ही लेना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। सबका वेट मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है। अभी आप देख सकते हो जो आइसिंग शुगर और ऑरेंज जूस अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें मैं वेनिला एसेंस यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑरेंज का अपना एक टेस्ट होता है एंड ऑरेंज जेस्ट डाल रहे हैं तो उसमें भी ऑरेंज का टेस्ट और भी एनहांस होकर आता है, तो वेनिला एसेंस मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो वेनिला एसेंस 1 टीस्पून ऐड कर सकते हो। इसी टाइम पे अभी मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। आप जब भी कोई भी केक बना रहे हो तो एक मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून रखिए साथ, और हो सके तो एक वेइंग मशीन छोटा सा आता है वो आप रख सकते हो। उससे क्या है, आपका जो भी इंग्रेडिएंट्स है एक्यूरेट मेजर होता है और हर बार आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है। हो गया मिक्स, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो धीरे धीरे ऐड करेंगे। उससे पहले मैं ऑरेंज जेस्ट डाल देती हूँ। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सब डाल दूँगी, एक साथ डालूँगी, बैचेस में डालने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप डाल के कट एंड फोल्ड मेथड में इसको, मैंने ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है 160 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट के लिए। आप जब भी केक बना रहे हो तो जब केक बनाने का प्रिपरेशन शुरू करें तो ओवन को आप प्रीहीट होने के लिए रख दीजिए एंड देन आप अपना मिक्सिंग का काम करिए। अब इसमें आप देख सकते हो बैटर बहुत थिक है, इसको एडजस्ट करने के लिए मैं इसमें अभी मिल्क ऐड करूँगी बैचेस में। एक साथ सब नहीं डालेंगे, जितना लगेगा उतना डालना है। इसको
इसको मैं OTG में बेक करूँगी 160 डिग्री में 15 मिनट के लिए। अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हो तो सेम कन्वेक्शन मोड में आप बेक करोगे 160 में 15 मिनट। तो इसमें अभी मेरा 1/4 कप मिल्क पूरा गया, मैं दिखाती हूँ आपको इसका कंसिस्टेंसी कैसा होगा। देख सकते हो ये रिबन जैसे ये फॉल होना चाहिए, तो ये अभी रेडी है। तो चलिए इसको अभी बेकिंग पैन पे ट्रांसफ़र करते हैं। बेकिंग के लिए मैंने एक ऐसा पैन लिया है, ये 9x11 का एक पैन है, पेस्ट्री पैन है। इसमें मैंने एक पार्चमेंट पेपर प्लेस किया है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर या फिर बेकिंग पेपर नहीं है तो नीचे और साइड्स में ग्रीस कर लो और देन उसके ऊपर मैदा डस्ट करके पैन रेडी कर लो। बट अगर आप ये पेपर यूज़ कर रहे हो तो ऑयल या बटर लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करूँगी, मैं इसमें केक बैटर लूँगी और स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। बहुत पतला सा एक स्पॉन्ज रेडी करेंगे हम। एक स्पैचुला ले लीजिए और इसको धीरे धीरे स्प्रेड करिए कॉर्नर्स पे पहले। और एक इवन लेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे मोटा और कहीं पे पतला। अभी इसको मैं प्री हीटेड ओवन में बेक करूँगी 15 मिनट के लिए 160 में। ये रेडी है, इसको अभी बेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये केक अभी कम्प्लीटली बेक हो गया है। मुझे 15 मिनट लगा ये बेक करने के लिए। 5 मिनट इसको हम लोग रेस्ट करने देंगे पैन में, देन इसको डीमोल्ड करेंगे एक बटर पेपर के ऊपर। अब ये 5 मिनट हो गया है, इसके साइड्स को लूजन करेंगे। अब क्या करेंगे, ये केक को आप लोगे और धीरे से इसके ऊपर आपको उल्टा कर देना है और पैन को आप निकाल दो। ऐसे ही इसको हम लोग अभी ठंडा होने के लिए रखेंगे और एक क्लीन किचन टॉवल इसके ऊपर आप कवर कर लो ताकि केक आपका ड्राई ना हो। ये कम्प्लीटली ठंडा होगा, देन आगे का प्रोसीजर देखते हैं क्या करना है। मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश लिया है, इसको अभी व्हिप कर लेंगे एंड देन केक के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये व्हिप हो गया है, चलिए आगे का प्रोसीजर देखते हैं। ये केक को जो हम लोगों ने ढक के रखा था ठंडा होने के लिए वो ले लेंगे। इसके ऊपर जो पार्चमेंट पेपर लगाया था उसको निकाल देंगे। केक बहुत अच्छा बना है, तो इसको अभी आप चाहो तो थोड़ा सा शुगर सिरप लगा सकते हो या फिर थोड़ा सा ऑरेंज जूस में आप इसको मॉइस्चर कर सकते हो। ज़्यादा उसको मॉइस्ट नहीं करना है, हल्का सा मॉइस्ट करना है। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज जूस लिया है और हल्का हल्का से इसको, ज़्यादा मत करो। अगर आपका ऑरेंज जूस खट्टा है थोड़ा सा पाउडर शुगर इसमें आप ऐड कर सकते हो। अब जो स्टेप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या करूँगी मैं, इक्वल डिस्टेंस में 2-2 इंच डिस्टेंस में ऐसा मार्क कर लूँगी, ठीक है। तो मैंने 2, 4, 6 एंड 8 ऐसे डिस्टेंस में इसको डिवाइड किया है। सेम इसी साइड में भी करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो गनास हम लोगों ने व्हिप करके रखा था इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एक लेयर। एक स्पैचुला ले लीजिए और इसको स्लोली स्प्रेड करना शुरू करेंगे। अब सब तरफ से देख लो कि ये इवन होना चाहिए, एक जैसा स्प्रेड होना चाहिए। अब जो स्टेप है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमें क्या करना है, इसके मार्किंग के साथ स्ट्रिप्स कट करना है। आप एक ऐसा पिज्जा कटर लीजिए और इसको कट करना शुरू करिए।
ठीक है। इसको कट करने के बाद ये पिज्जा कटर को क्लीन करके लेना है, ईच टाइम आप जब कट कर रहे हो इसको क्लीन करके लेना है। अब दूसरा कट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, टूथपिक हटा देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एक लेयर लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे एंड पे और इसको रोल करना, धीरे धीरे आपको रोल करना है, रोल करना शुरू करना है। थोड़ा सा ब्रेक होगा बट डोंट वरी, वो सेट हो जाता है, ठीक है। ये मेरा पहला लेयर रेडी है। अब क्या करना है, जहाँ से वो छोड़ा है ये एंड जहाँ पे ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट लेयर उसी से ही स्टार्ट करना है, रोल करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोल करना। एक लेयर लिफ्ट करो और उसी को ही गाइड बना के आप उसके ऊपर रोल करना शुरू करोगे। हाथ को बीच बीच में क्लीन करना ना भूलिए ताकि आपका केक नीट फिनिश आए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ा हम लोगों ने, यहीं से फिर थर्ड लेयर स्टार्ट करेंगे रोल करना। फर्स्ट लेयर थोड़ा सा टूटता है फ्रेंड्स, उसके बाद वो ब्रेक नहीं होता है, तो वो कुछ घबराने की बात नहीं, गार्निशिंग में वो आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। अब फाइनल लेयर कहाँ से करेंगे, जहाँ से छोड़ा है, ठीक है। ये हो गया मेरा फाइनल लेयर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके चारों तरफ हम लोग चॉकलेट गनाश अप्लाई करेंगे। अब जो मैं गनाश लगाने जा रही हूँ ना, वो व्हिप्ड नहीं है, वो नॉर्मल वाला जो हम लोगों ने बनाया था उसी को ही लगाना है। ये गनास बहुत हार्ड है अभी, तो इसको मैं 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करूंगी एंड देन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। केक के साइड में हम लोग स्लोली इसको लगाना शुरू करेंगे। ज़्यादा स्मूथन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रस्टिक लुक रहेगा तो वो अच्छा दिखता है। चारों तरफ से एक कोट लग गया, अब ये हो गया। तो ये अभी चारों तरफ से आप देख सकते हो गनास लग गया है, बहुत अच्छा एक कोट लग गया है। इसको मैं अभी फ्रिज में 1 to 2 hours रखूँगी चॉकलेट गनास को सेट होने के लिए। देन इसको हम लोग निकाल के थोड़ा सा फाइनल फिनिशिंग टच देंगे एंड देन इसको कट करेंगे। क्या फिनिशिंग टच देना है आप वीडियो में आगे देखिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी सेट हो गया है, तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा भी फिनिशिंग देंगे। ऊपर उठा हुआ है जो, उसको थोड़ा सा हल्का हल्का हम लोग कट करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा दिखेगा। अच्छा, जब आप कट कर रहे हो उसको नाइफ को वाइप करना जरूरी है, हर बार आप जब काटो इसको अच्छे से पोंछ लो। एक शार्प नाइफ का यूज करिए, इसको एक दूसरे बोर्ड पे ट्रांसफर करेंगे ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। आप एक स्पैचुला ले लीजिए या फिर आपके पास अगर नाइफ है कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट लीजिए और उसको नीचे से रिलीज करिए पूरा एंड देन उसको आप लिफ्ट करिए और एक दूसरा लीजिए और उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए।
चलिए इसको अभी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। सिंस मैंने इसको एक रस्टिक लुक दिया है तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गोल्ड डस्टर डस्ट लिया है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया है। आप चाहो तो वोडका मिला सकते हो या फिर लेमन एक्स्ट्रैक्ट आता है वो मिला सकते हो। चलिए और थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। तो ये ब्यूटीफुल केक एंड टेस्टी केक रेडी है, चलिए इसको अभी स्लाइस करके देखते हैं। केक के ऊपर स्प्रेड करने के लिए हमें चॉकलेट गनास चाहिए। गनास के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स ऑफ डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। आप चाहो तो प्योर कोवेचर चॉकलेट भी ले सकते हो। एंड फ्रेश क्रीम लिया है 125 ग्राम, ये 1:2 रेशियो रहता है। अगर चॉकलेट 2 है, 2 पार्ट्स है, तो क्रीम आपका 1 पार्ट होगा। मैंने अमूल फ्रेश क्रीम लिया है एंड डार्क चॉकलेट कंपाउंड आप किसी कंपनी का भी ले सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, चॉकलेट को मेल्ट करेंगे और क्रीम को गर्म करेंगे। चॉकलेट कैसे मेल्ट करते हैं मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स इंटरवल में मैं इसको मेल्ट करूंगी और क्रीम को भी मैं गर्म करूंगी जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। ऑलमोस्ट 1 मिनट दूंगी माइक्रोवेव में। चलिए मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। देख सकते हो चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसमें अभी मैं जो फ्रेश क्रीम मैंने गरम करके रखा है उसको मिक्स करूंगी। चलिए फ्रेश क्रीम ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हो क्रीम बहुत अच्छे से गरम हो गया है, इसमें से स्टीम निकल रहा है। इतना ही गरम चाहिए, बट इसको बहुत आप बबल आने तक बॉईल नहीं करेंगे, जस्ट गरम होगा, थोड़ा सा आपका स्टीम निकलेगा, बस ये गरम हो जाता है। आप गनाश आप डबल बॉयलर मेथड में भी कर सकते हो। अगर आपको जानना है डबल बॉयलर मेथड में कैसे करते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अभी आप क्या करेंगे, ये क्रीम लेंगे गरम और चॉकलेट भी मेरा वॉर्म है, दोनों को मिक्स करेंगे। ये मेरा मेथड है, मैं ऐसे बनाती हूँ गनाश। देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग गनाश, बट मैं ऐसे बनाती हूँ। अब क्या करेंगे, इसको आप मिक्स करो। ये पॉइंट पे आप विगरेसली मिक्स नहीं करोगे, हल्के हाथ में इसको मिक्स करना है। अगर आप विगरेसली मिक्स करोगे तो क्या होगा, चॉकलेट में जो फैट रहता है वो रिलीज हो जाएगा और आपका गनाश अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपको डिटेल एक वीडियो चाहिए गनाश मेकिंग के ऊपर, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है, तो आप देखो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है, एक शाइनी गनाश बनके रेडी हो गया। इसको हम अभी यूज नहीं कर सकते, इसको क्या करना होगा, कम से कम 5-6 आवर सेट होने के लिए रखना पड़ता है। अगर केक वगैरह में आपको पोर करने के लिए चाहिए ऊपर से, तब आप इसको अभी यूज कर सकते हो, बट जैसे मुझे अभी केक के ऊपर ये स्प्रेड करना है तो इसको अभी मैं यूज नहीं कर सकती, इसको सेट करने के लिए मुझे रखना पड़ेगा। आप इसको काउंटर टॉप पे भी रख सकते हो सेट होने के लिए, और अगर आपको जल्दी इसको चाहिए सेट होना और यूज़ करना है तो फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो। तो देखा आपने कितना सुंदर एक गनाश मेरा बन के रेडी है, शाइनी एंड स्मूथ। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको क्या करेंगे, आप एक क्लिंग रैप लो और उसके ऊपर आप कवर करो। कवर जब करेंगे आप मेक श्योर कि ये रैप गनाश को टच हो, ठीक है। इससे क्या होगा, गनाश के ऊपर लेयर फॉर्म नहीं होगा और वो एक स्मूथ आपको गनाश मिलेगा, कहीं से भी उसमें एयर पास नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से टाइटली उसको आप रैप कर लो। अभी इसको मैं सेट होने के लिए काउंटर टॉप पे रखूंगी जब तक ये पूरा सेट ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो वो है, जब आप केक बेक कर रहे हो ओटीजी में, बेक होने के बाद केक को उसी ओटीजी में 5 मिनट रहने दीजिए। 15 मिनट बेकिंग टाइम मैंने दिया है, 15 मिनट होने के बाद भी और 5 मिनट उसको ओवन में आप रहने दीजिए। 5 मिनट के बाद उसको बाहर निकालिए और उसको पैन में फिर से 5 मिनट बाहर ही रहने दीजिए। बाद में उसको साइड लूजन करो, जो बताया है मैंने वो वैसा ही करो। सेकेंड है, जैसे आपको गनास लगा लिया, स्लाइस कर लिया केक को, अब उसको आपको लिफ्ट करना है। आप उसको वैसे लिफ्ट करने जाओगे ना तो टूट जाएगा, तो क्या करो, एक स्केल ले लो या फिर स्पैचुला या फिर एक नाइफ ले लो और केक के नीचे एक बार उसको पास कर लो, तो जो बटर पेपर और केक लगा रहता है तो रिलीज हो जाएगा और आप इजीली उसको लिफ्ट कर पाओगे विदाउट ब्रेकिंग। तो आप ये 2 पॉइंट जरूर फॉलो करिए, आपका केक जरूर अच्छा बनेगा। अगर फिर भी कुछ मुश्किल हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल आंसर इट। अगर आपको अच्छा लगा हो रेसिपी, देन गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू एंड प्रेस द रेड बेल आइकॉन। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड।